कुछ पहचानी, सुनो औरत की जबानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी, तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा मंगला। अरे मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे मुझे बेटे की चाह है? कहा नहीं है, लेकिन बेटियों का पिता होने का अफसोस जताना भी नहीं भूले हैं आप। मेरे बारे में यही सोचे तुम्हारी, यही निष्कर्ष निकाला है तुमने हमारी बेटियों के लिए मेरे प्यार का? आज आज एहसास हो रहा है मुझे कि मैं क्यों जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं मैं? उन अपनों के लिए जो आज तक मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अरे अगर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दी तो क्या मेरी आत्मा, मेरा वजूद, मेरा अपनी बेटियों के लिए प्यार सब 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 छूटा पड़ गया क्या? किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? जिस पिता के दिल में अपनी बेटियों के लिए प्यार होता है ना, वो उनकी खुशियों का गला नहीं घोंटते। अपनी बेटी के मांग से सिंदूर पहुंचकर उसकी दूसरी शादी नहीं करवाते। अगर इतना ही प्यार था अपनी बेटियों से तो क्यों उनकी खुशियों का गला घोटा आपने? क्यों आप हमेशा अपना फैसला उन पर थोपते? उनकी इच्छा उनकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं आपके लिए? मंगला, बस आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तक यही तो करती आ रही, जो आपने कहा वो सही, जो आपने किया वो सही, लेकिन अब नहीं, क्योंकि सवाल अब मेरी बेटियों की जिंदगी का। आज गौरी अपने पांव पर क्या खड़ी होने लगी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उसकी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या उसके साथ आपका यही रवैया होता? बताइए, क्या मांगा था मेरी बेटी ने आपसे? सिर्फ आपका आशीर्वाद देना, और वो भी आप उसे नहीं दे सके। क्या नहीं दिया मैंने अपने परिवार को? अपनी बेटियों की इच्छा पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की है मैंने। शायद अपने परिवार का भला चाहना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसी कौन सी खुशियां छीन ली मैंने उनसे? आपने अपनी बेटियों से क्या छीना है और क्या नहीं, ये आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं, सब जानता हूं मैं। अरे अपनी अपनी बेटियों के भविष्य के लिए क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मैंने चाहता कि मेरी बेटियां जिंदगी में राज करें, खुशियां उनके नसीब में हो, और कोई भी दुख तकलीफ उनके पास से भी ना निकले। लेकिन इतना सब कुछ चाहने के बाद भी मैं तकदीर के आगे हार गया। और ये सब चाहकर भी मुझे क्या मिला? अपनी बीवी की नफरत, अपनी जिन बेटियों की जिंदगी को संवारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज मुझे उन्हीं बेटियों का गुनहगार साबित किया जा रहा है। कटघरे में खड़ा करके मुझे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? आपके गुनाहों की सजा तो आपको मिलकर रही, अपनी बेटी के प्यार के खून से सने हैं आपके हाथ। आप क्या किसी को आशीर्वाद दे? लगता है गौरी ने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली आपसे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं राधा की तरह गौरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। गौरी की जिंदगी आपके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से चलेगी, और मैं आपको उसकी खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी। हमारे अपने अपना साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी यादें साथ नहीं छोड़ती ना मम्मी जी।
अपनों के जाने के बाद उनकी यादें ही तो होती हैं जो हमारे जीने का बहाना बन जाती है। मम्मी जी, लेकिन जिंदगी कोई बहाना नहीं होती। सच कहा तुमने राधा, पर बिना किसी बहाने जिंदगी जी भी तो नहीं सकते ना। अजय ऑफिस गया? जी मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि पापा जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। भगवान ने सबकी जगह ऐसी बनाई है कि किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनों की कमी अपनों से मिलकर कुछ कम तो की जा सकती है ना। पापा जी के जाने के बाद आपने इस कमरे में अपने आप को कैद सा कर लिया है। मम्मी जी, ये पूरा घर आपके बिना अधूरा है। प्लीज कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इस कमरे से बाहर निकलिए। अभी जिंदगी ठहरी नहीं है। लेकिन मेरे लिए सब कुछ ठहर गया। वक्त, जिंदगी, अब तो ऐसा लगता है जैसे उनके बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सब कुछ अधूरा। मॉम, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ गार्डन में चल रही हैं और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। उठिए। मैं वही समझा रही थी तारा अभी मम्मी जी को। भाभी, मॉम कोई बच्ची नहीं है जिन्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत पड़े। मॉम के बच्चे के होते हुए वो कभी भी अकेली नहीं पढ़ सकती। मैं मॉम को इस तरह इस कमरे में घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। और आपको मॉम के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तारा, मैं तो सिर्फ। भाभी प्लीज। लेकिन तारा तुम इस तरह। प्लीज भाभी, आप सिर्फ अजय भैया और अपनी चिंता कीजिए, बाकी सबकी नहीं। चलिए मॉम। अरे बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। मॉम, मैंने कहा ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप चलिए, उठिए मॉम। आप बैठिए। आप देवराज को बुलाइए। जी। जो मोहलत दी थी वो खत्म हुई। अब तुम्हें मैं 48 घंटे की मोहलत देता हूं। जान पहचान पुरानी है, इसलिए रहम कर रहा हूं तुम्हारे पे। 48 घंटे में मेरी सारी उधारी वापस नहीं दी तो दुनिया के सामने अपना तमाशा देख लेना। 48 घंटे में अगर मेरे पैसे नहीं आए तो उधारी की वसूली कैसे की जाती है ये देख लेना। Better understand. ये आपको कितनी उधारी चुकानी? अरे ये तो कौड़ी का आदमी, ये मुझे राज को 48 घंटे की मोहलत देकर गया। लाखों रुपया मुझसे उधार लेता रहा। सिखाना कि वसूली कैसे की जाती है, मैं दिखाऊंगा कि वसूली कैसे की जाती है। चिंता मत करो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। जब इंसान पे मुसीबत आती है ना, चारों तरफ से आती है, बार बार तो क्या
घर वाले तक साथ नहीं देते। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा भाभी कि मॉम को अपने ऊपर डिपेंड करवाना बंद कर दीजिए। आप जानती हैं अगर उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहकर जीने की आदत हो जाएगी और वो इंसान वक्त पर उनके साथ नहीं होगा तो क्या बीतेगी उनके दिल पर? मैं बुरी लगने लगी हूं ना आपको? जब इंसान को अपनी बुराई नजर नहीं आती, अपने में कोई खामी नजर नहीं आती, तो वो दूसरों में ही दोष ढूंढता है। जो इंसान आपकी तरह नहीं सोचेगा वो तो आपको बुरा ही लगेगा ना। आपका इतना ही एहसान बहुत है कि आप अजय भैया का ध्यान रखिए और अजय भैया आपका। राधा क्या सोच रही? वो बुआ जी। राधा जो बहू हमेशा मुझसे नजरें उठाकर बात करती थी आज वो मेरे सामने नजरें झुकाकर बैठी है। क्या बात है राधा, सब ठीक तो है ना? जी बुआ जी सब ठीक है। राधा तुम कुछ और बोल रही हो और तुम्हारा चेहरा कुछ और। किसके हिस्से के आंसू को अपनी आंखों में छुपा के रखा था? तुमसे देवरानी ने कुछ कहा? नहीं बुआ जी। तो रवि ने कुछ कहा? नहीं। अजय से कोई बात हुई क्या? नहीं बुआ जी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। बुआ जी ऐसा क्यों होता है कि जो अपने होते हैं वो देखते ही देखते गैर हो जाते हैं? राधा जिस दिन दुनिया से लोगों के दिलों से परायापन का एहसास मिट जाएगा ना उस दिन ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। पर एक ऐसा स्वर्ग जिसका रास्ता नर्क से होकर जाए। राधा इस दुनिया में हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान अच्छे लोगों का ही इम्तिहान लेते हैं, उन्हीं को टेंशन देते हैं। राधा हमारे घर में एक ऐसा तूफान आया और हमसे सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरे भैया को छीन लिया। लेकिन हमें इस तूफान का डटकर सामना करना होगा। अगर हम हार गए ना तो ये हमारे परिवार की हार होगी। हाँ जी। ओह, आई एम सॉरी। मिस्टर कुणाल, तारा से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। आप? मैं देवयानी। हाय, तारा की बड़ी भाभी। ओह, आप हैं देवयानी। लेकिन आप यहाँ मुझसे मिलने आई थी? वो मैं मेरी एक कॉलेज फ्रेंड से मिलने आई जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करती है। अच्छा हो उस बहाने आपसे भी मुलाकात की। मुझसे मिलने के लिए आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। आप तारा के साथ कभी भी मेरे घर आ सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप सब मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी और के बारे में तो मुझे पता नहीं लेकिन हाँ मैं जरूर आऊंगी।
आप कहीं जा रहे थे? ओ हाँ, मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओ, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ऑल द बेस्ट, बाय। बाय। तुम देवयानी नाम की किसी लड़की को जानती हो? नो सर, मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती। ठीक, अगर देवयानी नाम की कोई भी लड़की तुम्हारे पास आएगी तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना कि वो ऑफिस में किससे मिलने आई। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस मिसेस शंकर नामदेव चौहान की कैबिन किस तरफ है? मुझे उनसे मिलना था। लेफ्ट से फोर्थ कैबिन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। Yes, आपका नाम? देवयानी। पापा। अरे बड़ा तुम यहाँ? हाँ पापा, आपसे मिलने का मन हुआ मैं चली आई। अरे हाँ, लॉबी में मैं मिस्टर कुणाल से भी मिली। तो तुमने उसे क्या कहा? मतलब यहाँ आने का कारण क्या बताया? डोंट वरी पापा, मैंने उन्हें ये कहा कि मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ और मैं तारा की भाभी हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं। अगर किसी को इस बात की भनक तक लग गई कि तुम मेरी बेटी हो तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा पापा, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ ये दोहरी जिंदगी जीते जीते। ऐसे भी क्या जिंदगी पापा कि मैं अपने पापा को सबके सामने नहीं मिल सकती। और क्या हो गया पापा, आपने जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर ये बेनामी जिंदगी जीने का क्या मतलब? कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उन सारे गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है जो उसने कभी किए ना हो, और बदकिस्मती से तेरा बाप उन लोगों में से एक। तू मेरी सच्चाई जानती है, लेकिन दुनिया तो क्या मेरी पत्नी तेरी माँ तक मुझे सच्चा इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं दुनिया से क्या उम्मीद करूं? लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी अंधेरी जिंदगी का साया तुम पर पड़े, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारे दाग धुल जाएंगे और मैं बड़े नाज से कहूंगा कि देवयानी मेरी बेटी है और मुझे मुझे फक्र है उस पर। मुझे यकीन है ये दिन हमारी जिंदगी में जरूर आएगा और जल्दी ही आएगा। अरे हाँ पापा, आप ये रख लीजिए 5 लाख। बेटा तू बहुत ही जल्द यशपाल कंपनी को अपने हाथ में कर ले और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा अच्छा वक्त बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब देखना, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक दिन मेरे हाथ में होगी और शतरंज के इस खेल में हर तरह से आपकी बेटी की ही जीत होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। अब मुझे चलना चाहिए, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। अब मुझे अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अपनी माँ से विरासत में और कुछ तो नहीं, लेकिन जिद्दीपना जरूर पाया इस बेटी ने, और अगर देवयानी किसी बात पर अड़ गई तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। और मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे लिए यशपाल की दौलत तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और किसी भी कीमत पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।